हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और स्कूल। ठीक है, स्कूल को क्यों जरूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग की और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को। ठीक है, उसमें हम बहुत डिटेल में जानेंगे एक एक चीज के बारे में कि इससे क्या फायदा होने वाला है, एड न्यू एडिक्शन किस तरीके से आएंगे। ठीक है, एक सोशल डोमिनेंस रहता है, कैसे डोमिनेट स्कूल कर सकता है जिस भी जिले में है या फिर डिस्ट्रिक्ट में है या टाउन में है या फिर किसी भी फर्स्ट ईयर सिटी में, सेकंड ईयर सिटी में या थर्ड ईयर सिटी में, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है स्कूल का जब वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, इट्स चेंजेस द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल हु आर विजिटिंग। ठीक है, आजकल आप देख रहे हो हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस देख लो, कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर बिजनेस प्रेजेंट है सोशल मीडिया पे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो किस तरीके से प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे स्कूल, आप बोलोगे स्कूल ऑफलाइन है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ठीक है, अगर आप आपके वो लोकल के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो और स्पेसिफिकली उनसे बिजनेस करवाना चाहते हो, उनसे बिजनेस लेना चाहते हो और नए स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, देन सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, तीन तीन चीजें बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और देन हमारा आता है फेसबुक। ठीक है, इन तीनों चीजों पे आपको प्रॉपर वे में वर्क करना है। और हमारी कंपनी बियॉन्ड डिजिटल वर्क्स क्या देती है आपको, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको डिटेल में नीचे आपको नंबर मिल जाएगा हमसे कांटेक्ट करने के लिए, आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी रील्स, कैरोसेल, ठीक है, जो भी आप एड शूट कर रहे हो, एड्स रन करने वाले हो, एड्स रन भी प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक एक चीज आपको जो हर एक चीज जाती है, जैसे कि ऐसा नहीं कि होता कि मैं सिर्फ आपका सोशल मीडिया हैंडल करूंगा, नहीं, पूरी की पूरी टीम है हमारे पास, वीडियो एडिटर, ठीक, ग्राफिक डिजाइनर, कैरोसेल मेकर, ठीक है, और जो भी आपको नीड चाहिए, जैसे कि वेबसाइट कंटेंट राइटर, ठीक है, किस तरीके से वीडियो शूट करना है आपको, हम आएंगे। जो भी आपका स्कूल है, कोचिंग है, अगर आप प्रॉपर वे में हमारे साथ काम करते हो ना, ठीक है, तो हम आएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से वीडियो शूट करना है, जो कि हमारी टीम आपको एडिट करके देगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम आ गए, तो मैं आपको इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इतना एक चीज, जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आपका स्कूल 20 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आज के जमाने में आज लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, लोकल को तो आपको पता है, अब कोई भी नया शहर में आया है वो आपके साथ कैसे काम करेगा, उसको भी पता होना चाहिए कि आप इतने सालों से काम कर रहे हो। ठीक है, आपने इतने सालों से सोशल मीडिया पे उपलब्ध नहीं थे, तो उन सारी अचीवमेंट को किस तरीके से यूज करना है, उस सारी पोस्टों को, उस सारे कंटेंट को किस तरीके से यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके स्कूल से पढ़ के जो बच्चे निकले हैं, वो कुछ IAS ऑफिसर बने, कुछ PSC क्लियर की उन्होंने, ठीक है, कुछ डॉक्टर्स बन गए, उन सबकी भी प्रॉपर वे में पोस्ट बनाएंगे, उन सबसे भी अटेंशन खींचेंगे। ठीक है, न्यू एडमिशन वाला अलग सीजन रहेगा, वो अलग तरीके से एड्स चलेंगे, उस वे में हमको काम करना है। ठीक है, ये होगा हमारे इंस्टाग्राम पे, उसके बाद आती है हमारी बात भी इसलिए कहते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी आपके जितने भी फंक्शन वगैरह हैं, उनके प्रॉपर वे में वीडियोस निकाले जाएंगे, उनमें कट करके जो भी बेस्ट वीडियो रहेंगे, बेस्ट कैरोसेल रहेंगे, बेस्ट रील्स रहेंगे, उनमें से निकाला जाएगा और वो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आपके फैकल्टी, आपके स्कूल में कौन कौन से फैकल्टी, उनके भी प्रॉपर वीडियोस भी जाना चालू हो जाएंगे यूट्यूब पर, और उससे क्या हुआ कि बड़ा इम्पैक्ट आएगा, आसपास के लोग जो भी आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो जब वीडियो शेयर करना चालू करेंगे कि आपके सर इतना प्यारा पढ़ाते, तो दूसरे लोगों को देखेंगे, ठीक है, दूसरे स्कूल देखेंगे, दूसरे पेरेंट्स देखेंगे। ठीक है, जब वो उन वीडियोज को देखेंगे, तो वो चाहेंगे उनका बच्चा आपके स्कूल में पढ़े, दैट द मेंटेलिटी वी आर टेकिंग। ठीक है, अगले 6 महीने से अगर आप हमारे साथ, मैं आपको जानना ही बोलूंगा, 6 महीने काम की, मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने, जिसमें कि हम सारा का सारा काम आपको सिखा भी देंगे और आप खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, 3 से 6 महीने में हम आपकी इतनी बड़ी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन मार्केट में जो भी आपका एरिया है उसमें डोमिनेट कर पाओ। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है, हम आपको सोशल मीडिया पे जितनी आपके स्कूल की रेपुटेशन है उसको 10 गुना करना है। ठीक है, जो भी आपके पास, जो भी आप बुलाते हो गेस्ट वगैरह आए, ठीक है, आपके स्कूल में कौन कौन गेस्ट आए, अब देखो हर एक चीज आपके फोटो में है, जब कोई स्कूल विजिट करने आएगा तब वो ऑफिस में आके आपको देखेगा कि कौन कौन आपके स्कूल में गेस्ट आ चुके हैं। बट यहीं पे अगर आप जाते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आप पूछ डाल रहे हो ना, तो जितना भी कोई भी आपके स्कूल से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है वेबसाइट पे, यूट्यूब पर, ठीक है, आप अवेलेबल रहोगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, तो आप अवेलेबल रहोगे, आपके फोटोज आपके स्कूल के गेस्ट के, हर एक फैकल्टी के आप प्रॉपर वे में रहेंगे, और उस तरीके से वो आदमी एक परफेक्ट डिसीजन लेगा आपके स्कूल में एडमिशन कराने का।
एंड दिस इन दिस वे यू विल बी क्रेडिबल, आपकी क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अच्छे तरीके से जो आपकी ब्रांड इमेज बनी रखी है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। और डेल में आपका प्रॉपर प्लान चाहिए ना, हर एक स्कूल का हर एक लीड अलग अलग रहती है, हर एक तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो हम हर एक तरीके से हमारे स्कूल के हेल्प करते हैं। अगर आपको जानना चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हम प्रॉपर वे में आपके स्कूल के लिए एक प्रॉपर प्लान डेवलप करेंगे जिसमें कि हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से आपके स्कूल को एक डोमिनेट करना चालू कर सकते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, आसपास के स्कूल से, ठीक है। तो दैट्स द थिंग वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू हेल्प यू, ओके, दैट्स आवर मोटो, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।